डॉक्टर इमरान और टीम लीडर राजम खान तनोली खिदमत हाजिर हाँ। असा इस टाइम मौजूद हाँ विलेज कौंसल मीरपुर हरिपुर साढ़े मौजूद ने जनरल कौंसलर मलक सोहेल अहमद साहब। असि उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तो सर? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारा टाइम देते हैं जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है सर, बहुत शुक्रिया। तो सारी तबीयत कैसी है? जी ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक किस तरह गुजर रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बरकतान अमीन है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पे गुजर रहे हैं। अच्छा, जनरल कौंसल मुंतखब होने तो पहले तो संदी अपने इलाके के लोगों वास्ते के खिदमत ने सर? जनरल कौंसल मुंतखब होने तो पहले क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा सोचिया रहा और अर्सा दराज 15 साल 14-15 साल मैं आर्मी गुजारे ने और उत्थे तो लोग जो अमरेस से बहने अलहमदुल्ला तो मैं उन्होंने काफ़ी जो कुछ हो सकता हेल्प करना है। स्पेशली जिस वन का बोसा जोड़ा है वे वो हर बंद के वास बड़ा मुश्किल होता है और इस ड्यूटी के दौरान मैं अलहमदुल्ला ग्राइन ने अपने इलाके के लोगों उत्थे तक रसाई पहुँचाना है, टीम के नफल पढ़ाने ने या इस तरह की जितनी भी खिदमात हो सकती हैं अरम के हवाले न उस मैं लग रहा क्योंकि ग्राइन के हवाले न 14-15 साल तो असं टच ना है क्योंकि मेरे दादा जो भी इस ग्राइन के नंबरदार रह चुके हैं उन्होंने अज भी लोग उन्होंने मिसालां देते हैं कि मतलब दर्द ने फलाना काम किया है फलाना काम किया है। बाकी फैमिली की बैकग्राउंड सर तो सारे समय के ग्राएं तुम इनफॉर्मेशन कह सकते हो जैसे कि साढ़े चाची माशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अच्छी सीटें देने नंबरदार हैं असं ग्राएं में तो बहुत अच्छा है कि लेकिन हूँ असं ग्राएं इंटर होए हाँ ग्राएं के लोगों ने मिसाइल का पता लगे कि मिसाइल ने किस तरह ही हल होने चाहिए और मैं इस चीज़ से मुंतखब हो के पहले दिन तो एक कोशिश की थी है कि साढ़े ग्राएं जितनी भी मरूमिया जो जो अदाले ने उन्होंने कर सकता और जितना ज़्यादा काम हो सके हो गए और इस सिलसिले में यूसुफ अयूब खान साहब का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने आके इतने असा हौसला अफजाई बख्शी और साढ़े अहम जोड़े काम ने साढ़े ग्राएं का जनाजा गाह की जगाई उस रस्ते टफ टाइल बिजली के कोल उमर अयूब खान साहब ने दिते ने ट्रांसफार्मर दिते ने यूसुफ अयूब खान साहब ने और गलिया जितने अहम जरूरी है साढ़े काम है उन्होंने इन साइडों से खुशी दिलचस्पी की और उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए और नाल अमली काम भी किए हैं कि उन्होंने बर वक्त काम शुरू किए और कोई उन्होंने लारा भी नहीं लाया कि ये काम मैं इंजू कर सकता लेकिन जिस दिन ना उन्होंने आख्या ना दूसरे दिन तो काम भी उन्होंने शुरू करा सके। और तुसां दे इलाके दे अहम मसले केड़े ने जिहड़े हुण तक साबका हुकूमत विच किसी ने हल नहीं कराए जिहड़े अहम मसले ने आम इलाका ने तुसां दे मुतालबा भी किया होवे? सर अहम मसले ये कि सब तो पहले साडा एक पुराना मोहल्ला टेलीफोन फैक्ट्री तो रस्ता आना है मोहल्ला सिद्धाबाद तो कहने के साढ़े मीरपुर रोड अटच होना है ट्यूबवैल को ये साढ़े ग्राएं लोगों का बुनियादी मसला है इस साइड तो क्योंकि लोगों की काफ़ी ज़्यादा जमीन ने जो उस साइड से बहने आने में इसकी पुख्ती का जिस तरह यूसुफ अयूब खान साहब ने असा अगे वादा भी किया कि जल्द अज जल्द असा इंशाल्लाह पुख्ता करवा सकते और इस तो अलावा असा ने यूसुफ अयूब खान साहब अगर रखी है अपनी दरखास्त कम्यूनिटी सेंटर में जरा क्योंकि उन्होंने आख्या जी कि फिलहाल तो क्योंकि ऑलरेडी काम पर चल रहे हैं और इंशाल्लाह इस वास्ते जगह प्रोवाइड करो तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर सकता कम्यूनिटी सेंटर की। फिर साढ़ा एक बुनियादी काफ़ी अर्से जो मसला है कई दफ़ा बिजली नहीं होनी एक ट्यूबवैल खराब हो जाए फिर दूसरे ट्यूबवैल से अधी ग्राएं की आबादियाँ पानी मिलना है दूए ग्राएं की आबादियाँ पानी ग्राएं अधी की आबादियाँ पानी नहीं मिलना जो लोगों से मुश्किल तरीन होता है कि सुबह पानी का घर बंदोबस्त करके जुड़ना क्योंकि बुनियादी जरूरत है। असा यूसुफ अयूब खान साहब अगर रिक्वेस्ट पेश की कि दोवे फोन आपस इंटरलिंक कर सको ट्यूबवैल इस तो अगर एक खराब ही हो तो दूआ जो है सा मुतबादल काम चला सके। फिर असा ने इतने स्कूल के मजीद दो कमर का आख्या उन्होंने ऐलान भी किया और इंशाल्लाह जल्द काम भी मुतवक इंशाल्लाह। अच्छा, मीरपुर गांव का ना है ये ना क्यों रखे के खास वजह? सर इस चीज़ का तो मन कोई इलम नहीं है क्योंकि असं जान पैदा हुए हैं मीरपुर ही है और इस बारे नहीं असं किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी है कि मेरे नॉलेज नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तो जरूर पता कर के जरूर दस। अच्छा, जनरल कौंसलर के क्या फराइज ने? सर अपने ग्राएं के लोगों के जो बुनियादी मसाइल ने वो हल करना बानी मुशावरत
जो भी है वे कोई बीमार है कुछ जिस तरह भी है वे उसकी हेल्प की जो है अगर किसी का कोई बुनियादी मसला है कोई गली है कोई बिजली है कोई पानी है उसके घर तक इंसाफ जरूर मिलना चाहिए उस इतने तक रसाई होनी चाहिए यानी लोकल बॉडीज का तो काम ही यही है कि उस घर लोगों रसाई मिलनी चाहिए। अच्छा और दूसरी चीज ये कि तुसा फंड कितना मिले अगर मिले तो वो शुरू किया है कोई काम तुसा ने शुरू कराया सदमा बीसी की तरफों तो फिलहाल कोई फंड नहीं मिला ठीक है बीसी की तरफों फिलहाल कोई फंड नहीं अलबत्त यूसुफ अयूब खान साहब की तरफों जो है उन्होंने किए सब तो पहले तो कचरे के डस्टबिन उन्होंने भेजे ने इतों कचरा चलवाया जो असर 70 साल तो इतने पिया है और मेन चौक जिते बिल्कुल स्कूल अस्पताल बिल्कुल इतने करीब आ ये चीज़ा जो ने खत्म इतों कचरे खत्म करवाया और मजबूत डस्टबिन देते हैं फिर उन्होंने पार जो है साढ़े एक स्कूल बन रहा है चाइनीज़ का जिते साढ़े बच्चे इतने कॉलेज बन रहे जो बच्चे साढ़े इतने तालीम हासिल करके उस तो बाद चाइना जो सो फिर चाइना तो उस 250 टेक्नोलॉजी इतने तालीम दी जो सी असर पाकिस्तान पूरे वाहिद अदारा उसी कि जिते मेरिट के बच्चे इतने हास हो और आने वाले दिन मजीद साढ़ा मीरपुर जो है रोज तरक्की मिला तो इन शाला काम कर। अच्छा तो सा अपने चेयरमैन तो मुतमैन हो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो असर 7-8 साल तो सियासत के अंदर ने क्योंकि साढ़ा तो हूँ हूँ आना हो अच्छा बार के उन्होंने ग्राएं लोगों पहले भी और मेरे हिसाब से असं सारे मिलजुल के क्योंकि मुंतखब किया लोगों साढ़ा भी आग बन रहा है कि असं मिलजुल के उन्होंने उम्मीदा तो पूरा हो। अच्छा तुसा पी टी आई दे और चेयरमैन साहब जो है नून देने ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨੂਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਫੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਸੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲ ਸੁਣ ਸਰ ਜੀ ਫੰਡ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਜ਼ਮਤ ਖਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੋ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਯੂਸੁਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਲਜਾਜ ਯੂਸੁਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਾਇਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲਾਂ ਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਨ ਇਕਦਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਵਿਲੇਜ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਯੂਸੁਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਝੜੇ ਜਲਵੇ ਜਨਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਲ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਆਖਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਇਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜੁਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਸੁਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇ ਖਿਦਮਾਤ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਂ ਯੂਸੁਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
बच्चों वास्ते ग्राउंड जल्द उन्हें आख्या है कि इंशाल्लाह इसे एक क्रिकेट स्टेडियम बननी सी, इस वास्ते बच्चों जो है वे फालतू टाइम वे असर असी अपनी बजाय किसी दूसरी सरगर्मियों को इस खेल मसरूफ हो जाए। इस इलाके से इंशाल्लाह ग्राउंड बन गया तो बहुत अच्छा हो जाए। तो सारे चेयरमैन साहब उन्होंने रबता किया है और उन्होंने असा ये कह कि भाई असा इस तरह इंटरव्यू वास्ते आए हैं और उन्होंने ये आख्या कि जी साढ़े कौंसलर जिहड़े ने वो बोल नहीं सकते और तुसी वापस चले चलो वो गलबात नहीं कर सकते, इस उत्ते थोड़ी जी रोशनी पा सकते हो तुसी? मौजूद हो गए चेयरमैन साहब ने अगर अपने आधार है इस बारे में कोई ना आ सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से जितने भी इतने बैठे हैं सारे बोल सकते हैं, कोई गूंगा बहरा कोई नहीं। साढ़े नाल मौजूद है जी जनरल कौंसलर मलक सुहेल अहमद साहब बीसी मीरपुर हरिपुर दे। असा दे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इजाजत चाहता अल्लाह हाफिज़।